सब्सक्राइब करें हमारे विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस समय बाजार में तरह तरह की हरी सब्जियां आ रही हैं और इस समय सब्जियां खाने का एक अलग ही मजा है। तो आज हम मिक्स वेज सब्जी बना रहे हैं जिसमें कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे और ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, इसे बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। और मिक्स सब्जी बनाने के लिए हमने बंद गोभी पत्ता लिया है, ये पत्ता गोभी है तो हमने ये छोटा बंद गोभी पत्ता लिया, तो इसको बारीक बारीक हमने काट लिया धुल के। और इसमें हम दो आलू लिए, ये भी हमने छोटे इस तरह के छोटे डाइस में काटा हुआ है। मटर करीब 150 ग्राम है, इसको छील लिया है। और एक शिमला मिर्च पड़ी, इसको भी हमने डाइस में काटा हुआ है। और 3 से 4 हमारी ये गाजर है तो इनको भी टुकड़ों में काटा हुआ है। 2 प्याज है, हरी मिर्च स्वाद अनुसार जितना बच्चे से खाना चाहे उस हिसाब से आप इसको डालें। इसमें हमने 2 हरी मिर्च ली है, बारीक काट लिया है। लहसुन है करीब 3 से 4 कलियाँ, अदरक है थोड़ा सा और स्वाद अनुसार नमक। और इसमें हम ये मसाला लेंगे, मसाला हमारा ये किचन किंग मसाला, आप ले सकते हैं या मीट मसाला, तो इसकी मिक्स सब्जी में बहुत बढ़िया लगता है। तो ये हमने 2 चम्मच लिया हुआ है। और कुछ हम ये खड़े गर्म मसाले लेंगे, इसमें 2 तेज़पत्ता है, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग है और 1 चम्मच जीरा है। और सब्जी बनाने के लिए हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं और इन्हीं सब्जियों को हमने सब काट के धुल के अच्छे से रख लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं मिक्स सब्जी। सबसे पहले हम गैस जलाएंगे और हमने कढ़ाई रख दी है और इसको गर्म होने देंगे। और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, और इसको गर्म होने देंगे। और देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें कुछ खड़े गर्म मसाले जिसमें तेजपत्ता, दालचीनी और लौंग और जीरा डाला हुआ है, इसको हल्का सा पकने देंगे। और संग में हम इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन है ये डाल देंगे। और इसको हल्का सा भूनना हमें। देखिए लहसुन भी हल्का सा पक गया, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। और सब में कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे और इसको कुछ देर भूनेंगे गुलाबी होने तक। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को ज्यादा हमें लाल नहीं करना है, तो हल्का सा गुलाबी होगा तो फौरन सब्जी डाल दें। और देखिए अच्छे से ये भून रहा है। और इसमें सर्दियों का सीजन चल रहा है तो इसमें बाजार में सब्जियां तरह तरह की आ रही हैं, जो आप इसको ला के यूज करें क्योंकि इन सब सीजन की सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो इसमें बथुआ बाजार में बहुत आ रहा है, सरसों का साग आ रहा है, तो आप उसको ला के बनाएं। देखिए प्याज भी हमारा अच्छे से हो गया है, देखिए बस प्याज हमारा हो चुका है। अब इसमें आलू डाल दें कटा हुआ और आटे को थोड़ा धीमा ही रखेंगे हम। और हम ये मसाला ले रहे हैं, अगर मसाला नहीं मिलता है तो आप हल्दी मिर्च धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छी सब्जी बनेगी। तो हम मसाले को हमने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ये मसाला डालने के बाद हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है मसाले में, तो आज को हमने थोड़ा धीमा ही रखा है। अब इसमें मटर डाल देंगे, संग में गाजर डाल देंगे और ये सब्जी रोटी के संग या पराठे पराठे संग तो बहुत ही बढ़िया लगती है, तो आप इसको पराठे के संग सर्व करें और बच्चे भी इसको टिफिन में ले जाना इसको पसंद करते हैं।
आप बच्चों को टिफिन में जरूर दें। और संग में अब हम नमक डाल देंगे। नमक हम स्वाद अनुसार ले रहे हैं, हमने करीब इसमें एक चम्मच नमक डाला है। और संग में ये अब हम इसमें पत्ता गोभी डाल देंगे। ये पत्ता गोभी को हमने अच्छे से भून लिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको हम 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकने देंगे। और थोड़ी देर बाद ये जो पत्ता गोभी है थोड़ी पिचक जी जाएगी और गैस को भी हम थोड़ा धीमा ही रखेंगे। और इसको एक बार हम दूध देख लेंगे। देखिए काफ़ी ये सब्जी जो है बैठ गई है और इसको 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी हुई है। आप इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी वगैरह भी इसमें और डाल सकते हैं। तो मैंने फूल गोभी तो नहीं डाली है, उसकी जगह हमने पत्ता गोभी डाला हुआ है। तो आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और कमेंट्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आप तक फ़ौरन पहुँचेंगी। तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। देखिए अब हम थोड़ा आँच बढ़ा के इसको थोड़ा सा ऐसे पकने देंगे और थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। जैसा कि हमारी सब्जी बन रही है और ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसको थोड़ा सा भूनने में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस तरह की सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और खासतौर सर्दियों में, तो आप इस तरह की सब्जी जरूर बनाएं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और सब्जी बनके तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे। लीजिए बनकर तैयार है गर्मा गर्म मिक्स वेज सब्जी। आप इसे रोटी या पराठा किसी संग भी सर्व करें और ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और इसको आप एक बार ट्राई जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के संग। धन्यवाद।